शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। उन पर छात्र आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले कई छात्राओं की हत्या का आरोप है, जिस कारण अदालत ने शेख हसीना को 18 नवंबर तक पेश होने का आदेश दिया है। बीजेपी के नेता नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में सीएम पद की शपथ ली। बहराइच जिले में हुई हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई है। महाराजगंज में स्थिति सामान्य हो रही है और 10% दुकानें भी खुल गई है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने हत्याकांड में फरार आरोपी शुभम लोनकर के खिलाफ लॉकआउट सर्कुलर जारी किया है। मुंबई पुलिस ने अभी तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 3 आरोपियों की तलाश जारी है। बहराइच हिंसा में मारे गए युवक के साथ नहीं की गई थी कोई बर्बरता। पुलिस ने बताया कि गोली लगने के कारण हुई थी युवक की मृत्यु। तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।